हेलो बच्चों, लेट रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है वह देखिए। द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रोड्यूसेज मैग्निफिकेशन ऑफ 10। फिर उसके बाद है, इन ऑर्डर टू गेट एन ओवरऑल मैग्निफिकेशन ऑफ 100 व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस शुड बी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्टिव लेंस दे रखा है हमें, कितना एम नॉट। ठीक है, यह जो है हमें कितना दे रखा है 10, और जो एम इजकल टू क्या दे रखा है हमें 100। ठीक है, जो मैग्निफिकेशन जो दे रखा है ओवरऑल मैग्निफिकेशन जो है 100 दे रखा है। तो एम और ये जो एम नॉट, ये क्या होता है फॉर्मूला हमारा मैग्निफिकेशन का, 1 प्लस d अपॉन f। ठीक है, तो अब यहाँ पे सभी वैल्यू पुट करते हैं, तो मैग्निफिकेशन 100 दे रखा है और एम नॉट का वैल्यू 10 दे रखा है, और ये जो है 1 प्लस डिस्टेंस जो है, इसको बोलते हैं डी को लिस्टिंग डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन। ठीक है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ जो है डिस्टिंग विजन जो होता है वो 25 सेंटीमीटर उसको जनरली लेते हैं। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, एफ ई हो गया। तो यहाँ पे जो है 10 और उसके बाद जो है ये जो है हमारा 10 हो गया। फिर उसके बाद जो है हमारा 1 प्लस d अपॉन f ई। तो यहाँ पे जो है फोकल लेंथ जो है क्या होगा, फोकल लेंथ जो है यहाँ पे 25 पुट करेंगे तो यहाँ पे जो है यह हो जाएगा 25/9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है डी बराबर जो था क्या था हमारा 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू।